तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी कूलर की मोटर नहीं चल रही है, ख़राब हो गई है, तो उसे कैसे चेंज करना है, या फिर आपको रिपेयर कराना है तो उसे कैसे खोलना है, फिर दोबारा कैसे लगाना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर जो हमारी कूलर की मोटर, उसमें पंप तो चल रही है, बट यहाँ पर जो मोटर है वो नहीं चल रही है। यहाँ पर जो मोटर जाम हो रखी है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जो बुश है उसमें प्रॉब्लम, बुश जाम होने की वजह से हमारी जो कूलर की मोटर चल नहीं रही है। तो इसे कैसे खोलना है, अगर आपकी कूलर की मोटर वारंटी में है तो इसे कैसे खोल के दोबारा लगाना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम कूलर की मोटर को बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, बंद कर दिए, पंप को भी बंद कर दिया। सबसे पहले हमें सप्लाई की वायर को निकाल लेना ताकि करंट ना लगे। उसके बाद हमें वायर देख लेना है, जो कूलर की मोटर की जो वायर है वो कहाँ कनेक्ट हो रखी है उसे देख लेना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वायर जॉइंट हो रखा है, तो वहाँ से खोल देना। जहाँ पर भी आपको कूलर की मोटर की वायर दिखाई दे रही है, आपको वहाँ से खोल लेना। खोलने से पहले आप एक फ़ोटो खींच सकते हैं, ताकि यहाँ पर बाद में कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, कहीं थ्री स्पीड में स्विच में भी कनेक्ट रहता है, वन वे स्विच में भी कनेक्ट रहता है, या फिर रेगुलेटर में भी कनेक्ट रहता है, आपको चेक कर लेना। इसके बाद ही खोलना या फ़ोटो ले लेना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वायर को निकाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको मोटर दिखाई दे रही है, इसके चार साइड है, चार स्टैंड टाइप के बने हुए, इस पर मोटर फिक्स हो रखी है। इसमें दो दो बोल्ट लगे हुए हैं, इसको हमें खोल लेना। कभी कभार क्या होता है, जंग लग जाता है काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद, तो हमें क्या करना है, इसमें ऑयल डाल के छोड़ देना, आधे घंटे बाद फिर खोलना है तो आसानी से खुल जाएगा। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। इसे खोलने के लिए हमें प्लास या तोता प्लास या फिर रिंच की सहायता से हमें खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम तोता प्लास की सहायता से खोलते हैं। यहाँ पर तो जितने भी आपको यहाँ पर बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, खोल लेना। अगर जंग लग रही है तो इसमें ऑयल डाल के छोड़ देना, उसके बाद ट्राई करना। ऑयल डालने के बाद क्या होता है, आसानी से खुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर बोल्ट लगे हुए थे, मैं यहाँ पर मैंने इसे खोल दिया। इसके बाद हमें इस मोटर को निकाल लेना है, तो आसानी से निकालना, ताकि यहाँ पर इसकी पंखड़ी उंखड़ी ना टूटे और स्टैंड ना टूटे। तो यहाँ पर देखिए, इसको साइड से निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने मोटर को निकाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो पंखड़ी लगी हुई है इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दो बोल्ट लगे हुए हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मोटर है वो जाम है, इसकी जो बुश है उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी मोटर चल नहीं रही है। देखिए, यहाँ पर मैंने पंखड़ी को निकाल दिया। तो ये जो मोटर है ये वारंटी में भी है, तो इसे मैं रिपेयर करने देता हूँ। और अगर आपकी मोटर में प्रॉब्लम है तो आप इसे रिपेयर करवा के दोबारा लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे रिपेयर करवा दिया। अब देखिए, ये फ्री मूव कर रही है, इसकी बुश चेंज हो गई है। अब इसकी पंखड़ी को दोबारा वापस लगाते हैं जैसे हमने खोला था, और इसके दो बोल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छी तरह से टाइट कर देना ताकि चलते समय निकले ना। तो देखिए, यहाँ पर दोनों बोल्ट को मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब हमें जैसे हमने निकाला था वैसे हमें लगा देना। तो यहाँ पर जो आपको इसके चार स्टैंड दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमें प्रॉपर फिक्स करना है। और यहाँ पर जो वायर वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ कर दे, ताकि यहाँ पर कनेक्शन आसानी से कर सकें। और इसकी होल मैच होनी चाहिए, चारों जो स्टैंड है उससे होल मैच हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने इसमें बोल्ट खोले थे वापस लगा देंगे। तो यहाँ पर हर स्टैंड में दो दो बोल्ट लगे हुए थे, तो यहाँ पर हमें दोबारा वापस लगा देना और अच्छी तरह से टाइट कर देना। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी बोल्ट लगे थे मैंने इसे लगा दिया। अब हमें प्लास की सहायता से, या तोता प्लास, या फिर रिंच हो या स्लाइड रिंच हो, आप जो भी है आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना। तो यहाँ पर मैंने चारों स्टैंड के जो नर बोल्ट थे, मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिया। आपको चेक कर लेना, लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ये वाइब्रेट करेगा। और जैसे पहले कनेक्शन हो रखे थे वैसे ही कनेक्शन करना है, थ्री स्पीड स्विच में, वन वे स्विच में, या फिर रेगुलेटर में कनेक्शन हो रखा है वैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, दो वायर से कनेक्ट हो रखा था जैसे मैंने खोला था, इसे वापस मैं लगा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर दो आपको ग्रीन वाली वायर दिखाई दे रही है, इसमें से मैंने इसे खोला था, तो यहाँ पर वापस लगा दिया। अब इस पर टेप लगा देते हैं। अगर आपको कनेक्शन करने की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों वायर पर मैंने टेप लगा दिया। अब इसके स्टैंड पर हम इसे अच्छे तरह से लगा दें, ताकि यहाँ पर जब ये हमारा कूलर का जो फैन है वो चले तो वायर से टच ना हो, नहीं तो वायर कट जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसके स्टैंड पे इस टाइप से टेप लगा दी, ताकि यहाँ पर वायर इस फैन से अटैच ना हो, लगे ना। तो अब इसे हम चला के चेक करते हैं। तो इसके वायर को हम लगा देते हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे। तो इसके प्लग को हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके प्लग को सॉकेट में लगा दिया। अब इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं। अब हम मोटर को ऑन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो उसका रेगुलेटर लगा हुआ है इसको हम ऑन कर देते हैं। देखिए, जैसे मैंने ऑन किया, यहाँ पर जो उसका फ़ैन है वो चलने लगा है। तो दोस्तों, इस टाइप से आप भी अपने कूलर के ख़राब मोटर को निकाल के रिपेयर करवा के दोबारा लगा सकते हैं। अगर आपको नया मोटर लगाना है तो भी इस टाइप से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।